हेलो फ्रेंड्स, भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे ई ऑक्शन का टेंडर कैसे फिल करते हैं। ई ऑक्शन के टेंडर्स और हमारे नॉर्मल टेंडर्स एक ही जैसे हैं। वहां पे भी आपको बिडर ऑनलाइनमेंट इनरोलमेंट करना पड़ता है। यदि आप बिडर इनरोलमेंट नहीं पता है तो मैं आपको बिडर इनरोलमेंट के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप बिडर इनरोलमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि एरर आए तो इसके लिए सेटिंग्स जो होती है वो सेटिंग्स के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप टेंडर्स के लिए प्रॉपर सेटिंग कैसे करते हैं उसके वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑक्शन का टेंडर देखेंगे, जो कैसे ऑक्शन का टेंडर भरते हैं। अभी तक हम लोगों ने टेंडर भरना देखा था जो बीड बोलते, अभी हम यहाँ पे ऑक्शन देखेंगे जो ऑक्शन का टेंडर को कैसे फिल करते। बेसिकली ऑक्शन और ई टेंडर्स में दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑक्शंस मतलब हम डिपार्टमेंट से कोई भी चीज को परचेज करते हैं, और यदि हम बीड करते हैं तो हम वो डिपार्टमेंट को वो चीज को सेल करते हैं। यहाँ पे ऑक्शंस आता है। ऑक्शंस के कुछ अलग अलग क्राइटेरिया है, तो हम ऑक्शन का जो बेसिक पार्ट कवर करेंगे, फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे ऑक्शन का टेंडर फर्स्ट जो पार्ट है उसमें कैसे किस तरीके से हम फिल करते हैं, बाद में हम ऑक्शन के लिए प्रिविलेज होते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे इसको लॉग इन हो गया। सबसे पहले यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च में यहाँ पे दो, सिंगल लॉट और मल्टीपल लॉट, मतलब आप अलग अलग लॉट में टेंडर्स को ले सकते हैं या सिंगल, ए वन टाइम में आपका कवर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक सर्च करते हैं। अलग अलग सर्च का क्राइटेरिया है, डिपार्टमेंट बाय, ऑर्गेनाइजेशन वाइज, ऐसे अलग अलग। हमको यहाँ पे एक ऐसा टेंडर बनना है जिसकी ईएमडी नहीं है, जीरो है, तो हम यहाँ पे लेस देन वन कर दिया, ताकि हमको यहाँ पे जो भी टेंडर दिखेंगे सभी टेंडर्स ईएमडी जीरो रहेंगे या 1 रुपीज रहेंगे। यहाँ पे टेंडर का डिटेल्स देखिए, यहाँ पे टेंडर के हम डिटेल्स में देख रहे हैं। जो इसका स्टार्टिंग प्राइस 50,000 से बीडिंग चालू होगा, और इसकी इंक्रीमेंट वैल्यू 100 रुपीज, मतलब आपको 100 रुपीज कम से कम आपको इंक्रीमेंट करना है। और इसके जो टाइम इंटरवल है वो 5 मिनट का है, मतलब 5 मिनट बाद बाद आपको रेट में अलग अलग तरीके से बीड करना पड़ेगा। हर एक 5 मिनट में आपको बीडिंग करता रहना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे ऑप्शंस के ये डिटेल्स है। यहाँ पे आपके टेंडर फीस, सॉल्वेंसी वगैरह कुछ नहीं है, जीरो है इसको। तो यहाँ पे जो भी टेंडर्स हम लेंगे उसका इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। व्यू करके हमको उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाता है। ये सिंगल लॉट का ही टेंडर है, लैंड या बिल्डिंग का प्रोडक्ट कैटेगरी में आता है ये टेंडर। हम यहाँ पे अलग अलग व्यूज करके देख रहे हैं, ताकि मुझे कौन सा टेंडर भरना है उसके हिसाब से मैं उसको प्रिपेयर कर सकूँ। यहाँ पे ऑक्शन प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हैं, इलिप्स टाइम इंटरवल इन मिनट 5 मिनट का है। जो 5 मिनट के अंदर आपको ऑप्शन हमेशा रेट बदलेगा, और 5 मिनट बाद आपको बदलना है, और जितना भी बीडिंग का वैल्यू होगा उतना कम से कम आपको रेट यहाँ पे बढ़ाना होता है। तो मैं यहाँ पे एक टेंडर को चूज करना पड़ेगा मुझे, जिसके स्टार्टिंग प्राइस के साथ हम उसको देख लेंगे। दूसरा, मैंने दूसरे तरीके से मैं टेंडर को सर्च कर रहा हूँ, जिसके ऑप्शन फीस जो ये टेंडर का जो ऑप्शन होता है या टेंडर फीस बोलते हैं उसको, वो ऑप्शन का फीस नहीं है। मतलब यहाँ पे ईएमडी हो सकता है, पर ऑप्शन का फीस नहीं होगा। देखिए, इसके भी आप पूरे डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके इलिप्स इंटरवल जो टाइम से वो 10 मिनट का, मतलब 10 मिनट बाद आपका ये रेट आपको बदलना पड़ेगा। और इंक्रीमेंट वैल्यू आपका यार 1,000 है, मतलब हर एक इंक्रीमेंट 10 मिनट पर आप जो रेट देंगे कम से कम आपको 1,000 रुपया से बढ़ाना पड़ेगा। और इसकी वैल्यू है 6,70,000 से ये स्टार्टिंग प्राइस चालू होगा, 6,70,000 से चालू होगा। इसका सबमिशन 11 फरवरी को है। यहाँ पे मैं एक टेंडर को ले लिया, और सेम जैसे हम लोग टेंडर भरते थे इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये टेंडर मेरा सर्च ऑप्शन से चला जाएगा माय ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए, पे फी है सबसे पहला, तो हम लोग सबसे पहले इसका पेमेंट को फीस करने का देखेंगे। और जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन में सबमिट कर देंगे, वो टेंडर मेरा लाइव ऑप्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला फीस को पे करूंगा, या फिर मैं यहाँ पे एक्सेप्शन ले सकता हूँ। यहाँ से एग्जम्पशन का टेंडर होगा तो मैं इसको एग्जम्पशन ले सकता हूँ। एग्जम्पशन के लिए आपके पास उद्योग आधार का लाइसेंस होना चाहिए। उद्योग आधार कैसे बनाने का है,
तो आपको मैंने आप उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से उद्योग आधार बनाने का आपको प्रोसेस पता हो जाएगा। एग्री और यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे मेरा जो प्रोफाइल था उसका डिटेल्स आ गया, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे 6,000 पे करना पड़ेगा ईएमडी, जो मुझे अलग अलग ऑफलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन है, तो मैं डीडी से पेमेंट कर रहा हूँ। ये अमाउंट है यहाँ पे 6,000 का अमाउंट, यहाँ नंबर जो डीडी का आपका नंबर होगा वो डीडी का नंबर आप डाल दीजिए, इसमें डिटेल्स किसने कौन से कंपनी से आपने डीडी लिया वो डीडी, इशू डेट कब आपका डीडी इशू हुआ है, और आपका इसका एक्सपायरी डेट, आपका चालान नंबर है, अकाउंट नंबर है, वो आप डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो आप डाल सकते हैं कि कब एक्सपायरी होगा, कितने दिन का आपको वैलिडिटी के साथ मिला है। तो मैं डाल दिया इसको और सेव कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ पे पेमेंट का डिटेल्स हो गया। पेमेंट का डिटेल्स को हम कभी भी एडिट मोड में जाकर एडिट कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट कर दीजिए, आपका ये पेमेंट का हो गया। अब यहाँ पे अपलोड, जो टेंडर्स के अकॉर्डिंगली टेंडर आपको रीड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट बोला है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये टेंडर है डिस्पोजल ऑफ 4 नंबर ट्री का, मतलब 4 आपको ट्री को डिस्पोजल करना है फायर फोर्स स्टेशन से। तो यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है टेंडर्स के, वो सभी आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसका डिस्क्रिप्शन में, टेक्निकल डॉक्यूमेंट, मतलब एज ए टेंडर्स के अकॉर्डिंगली जो जो टेंडर्स के डॉक्यूमेंट्स बोला है वो सब डॉक्यूमेंट्स मुझे अपलोड करना पड़ेगा। यदि आपको पता नहीं है टेंडर के डॉक्यूमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसा बनाते हैं, तो मैंने आपको उसके भी एक वीडियो बनाए, जो भी उसके भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जहाँ से आपको टेंडर पढ़ना और टेंडर के डॉक्यूमेंट्स बनाना इजी हो जाएगा। कोई भी टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाने में आपको 5 मिनट से भी कम टाइम में कैसे टेंडर के डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं। देखिए, जैसे हमने अपलोड कर दिया, इसको डिजिटली साइन करेंगे उस डॉक्यूमेंट्स को। यहाँ पे अपलोड फेल्ड आ रहा है। इसका अपलोड फेल्ड होने का रीजन होगा कि हमारा जो हमने डॉक्यूमेंट साइन किया है, डॉक्यूमेंट जो लिया है, वो वहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है या फिर स्पेस है, जो भी है वो डॉक्यूमेंट्स के नाम, तो हमको वहाँ पे उसको एडिट करके डॉक्यूमेंट्स के नाम को चेंज करना होता है। यदि हमने नहीं चेंज किया तो हमने आपने को ऐसा एरर आना चालू हो जाएगा। तो आप फिर से जाएंगे, उसको एडिट करेंगे, उसी डॉक्यूमेंट्स को यदि आपको फिल करना है, और आपको यहाँ पे जैसे ये अभी ये है ई टेंडर, यहाँ पे स्पेस है, तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। यहाँ पे मोहन डॉट पीडीएफ बोल के फाइल है, मैं इसको लेता हूँ, इसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, और इसको डिजिटली साइन करके इसको अपलोड करते हैं। यहाँ डीएससी का पिन, जो पिन होगा वो डीएससी का पिन देना है आपको, और इसको लॉग इन करते हैं। इसके हमारे पास क्लासेस भी है, क्या हो तो हमारे क्लास अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल्स आपको सब मिल जाएगा, जहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, अब इसको वेरीफाई करना पड़ता है, तो मुझे यहाँ से वेरीफाई करना पड़ेगा। ये और एक डॉक्यूमेंट हमारा मिस हो गया है, हमने अभी अदर डॉक्यूमेंट्स किया, टेंडर फीस और ईएमडी का डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया है, इसको वेरीफाई करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अभी तक सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, जो आपने फीस के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया वो एरर मुझे दे रहा है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस और ईएमडी, जो आपने डीडी सबमिट किए हैं वो डीडी का फोटो मुझे यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, वो तो डीडी का मैं फोटो अपलोड कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स 2 फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ या जेपी। फिर से यहाँ पे इसको साइन करेंगे, ये हमारा सभी डॉक्यूमेंट जो भी हम अपलोड कर रहे हैं उस पर डिजिटली साइन हो रहा है। डिजिटली साइन होने के बाद इसका पिन मांगेगा, पिन डाल दीजिए और ओके कर दीजिए, ये साइंड हो गया, इसको नेक्स्ट। हमारे यहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया, एक को वेरीफाइड किया है, दूसरे को वेरीफाइड नहीं किया, तो दूसरे को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे टिक कीजिए, क्लिक है तो वेरीफाई, नेक्स्ट, ताकि आपका दोनों डॉक्यूमेंट्स पे डिजिटली साइन होके वेरीफाई हो गया।
और सेंड फॉर अप्रूवल। अप्रूवल के लिए जैसे भेजेंगे आपने अपना ऑक्शन का टेंडर पूरा भर दिया। अब जैसे ही अप्रूवल हो जाएगा वो आपको लाइव ऑक्शन में दिखेगा। अब ये टेंडर माई ऑक्शन से निकल गया, अभी वो टेंडर आपको लाइव ऑक्शन में दिखना चालू हो जाएगा। और जैसे अप्रूवल हो जाएगा वो प्रोग्रेस लिस्ट में आ जाएगा। जब प्रोग्रेस लिस्ट में आ जाएगा तो आप 10-10 मिनट के इंटरवल पे आप टेंडर को ऑक्शन को भर सकते हैं। इसके आपको डिटेल्स में आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा, जो आपको कैसे कैसे आपका ऑक्शन का टेंडर को आगे का प्रोसेस कैसे करते हैं। थैंक यू। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ई टेंडरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियो हम लगातार अपडेट करते रहते हैं, और बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।